बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, हाज़रीन महफ़िल, शोरा इकराम, अस्सलाम अलैकुम। मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया गया जिसकी बुनियाद पर इकबाल तो मुझे भूल गए, लेकिन एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि गो कैफियत कुछ ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ पे तमाम करूं। जहाँ तक इकबाल की बात है, यू आर राइट, इकबाल जो थे एक कादरुल कलाम शायर थे, उन्हें ज़बान व बयान पर बड़ी कुदरत हासिल है। तो आपकी नज़र चंद है तो महफिल ये सुहेल साहब की, लेकिन आगाज़ इकबाल से करते हैं। वो कहते हैं, तुझे याद क्या नहीं है, वो मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब कहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना, ये बुताने असरे हाजिर के बने हैं मदरसे में, न अदाए ताशिराना न अदाए काफिराना, नहीं इस खुली फ़ज़ा में कोई गोशाए फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है, न कफस न आशियाना, रगताग मुंतज़िर है तेरी बारिश करम की, के अजम के मैं कदों में न रही मैं मुगाना, मेरे हम सफ़ीर इसे भी असरे बहार समझे, उन्हें क्या खबर के क्या है ये नवाए आशिकाना। तो जैसे जैसे महफिल बढ़ेगी इंशाल्लाह इकबाल को भी सुनाएंगे आपको, फैज़ अहमद फैज़ भी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो महफिल का बाकायदा आगाज़ सुहेल साहब की आज जो किताब है, मैं समझता हूँ एक मुश्किल दौर में, इंटरनेट के दौर में इन्होंने अपने कलम के ज़रिए दिलों को मुतमईन करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और मुबारक के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, तलवार से इलाकों को मुसख़र किया जाता है, जबकि एक अदीब दिलों और रूहों को कलम के ज़रिए मुसख़र करता है और लोगों के दिलों और जहनों में इनकलाब बरपा करके उन्हें लाजवाल फतुहात से हमकनार करता है। वकुर रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट के साथ चाहूँगा कि जनाब आबदी साहब से कि वो स्टेज पर आएं और किताब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें, आपकी भरपूर तालियों में। मैं सुहेल लोन को मुबारकबाद देता हूं। एक तो उनकी नसर बड़ी कमाल की है, हालात पे उनकी निगाह बड़ी गहरी है, उसको उन्होंने तहरीर में मुंतकिल किया है। ये अदब पर, सहाफत पर और तारीख पर उनका एक छोटा सा बज़ाहिर एहसान है, लेकिन आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। मेरी तरफ से उनको इस किताब की इशात पे एक बार फिर दिल की गहराई से मुबारकबाद, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, लिखने वालों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सामीन को अपने मौजू से मुतासर करता है और उनके दिलो दिमाग को हयाए इल्म से मनवर करता है और एक सीधा रास्ता मुतय्यन करता है। जैसे वो कहते हैं ना कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजात का,
अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो एक ऐसे ही अच्छे खूबसूरत लिखने वाले अखबार से उनका ताल्लुक है। जनाब सरवर साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएं। जो जिला वतनी के पूरा शौब दौर से गुजरा या उसको उसके तजर्बात से उसको जिला वतन होने पे मजबूर किया, उन्होंने किसकी तरफ इशारा दिया या किसके हवाले दिए ये मुझे किताब पढ़ने के बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन हर बुध को और या मंगल को जो उनका कॉलम मेरे पास आता है और जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो उनकी सोच और फिक्र का मुझे अंदाज़ा हो जाता है। और आबदी भाई ने जैसा कहा कि किताब आने वाले दौर के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखती है। आज जो कुछ हम देखते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन लिखने वाला उसको हमेशा के लिए कलम बंद करके उसको महफूज कर लेता है और आने वाली नस्लों के लिए वो रहनुमाई का काम सर अंजाम देती हैं। आज मैंने जो कुछ देखा कल मैं भूल जाऊंगा, इसलिए कि कल इससे ज़्यादा मसाइल मेरे सामने आएंगे, परसों इससे ज़्यादा मसाइल और आएंगे। नतीजा ये होता है कि जो कुछ आप देखते हैं वो अगर वो कॉलम की नज़र हो जाए और कॉलम में महफूज हो जाए कि फिर किताब की सूरत में महफूज हो जाए तो ये इल्म का खजीना और इल्म का ख़जाना जो है बढ़ता चला जाता है। सोहेल को उन दानिशवरों की सफ़े अव्वल में शामिल करेगी जो मुल्क से बाहर रहकर भी मुल्क के अंदर के हालात की बेहतरी के लिए दिन रात न सिर्फ सोचते हैं बल्कि लिख कर दूसरों को भी सोचने की तरगीब देते हैं। सोहेल साहब की इस काबिल तहसीन काविश पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और सोहेल के दो अशार पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम बख्शता हूँ इस दुआ के साथ जो उन्होंने अपने वालदैन से कहा था कि जब वो काबा की ज़ियारत के लिए जाएं तो करें कि मेरे लिए मेरे खुदा से मांगिएगा कि वो मेरे जुनून को मेरा ज़रिया मुआश बना दे। मैं भी उनके लिए यही दुआ करता हूँ कि उनका जुनून उनका ज़रिया मुआश बन जाए। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी किताब के बारे में एक और शेर मुझे याद आ रहा है जो आपके लिए है सोहेल साहब, के मेरे अंदर जो ये शोर है, मेरे अंदर जो ये शोर है ये मैं नहीं कोई और है, वो एक जला वतन है जो अपने दिल की बात आप सबसे कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि आप सब इसको यहाँ पे आए हैं ये इस चीज़ का सबूत है कि सब बहुत सराहते हैं। जो नहीं आ सके वो भी कहीं ना कहीं आपसे बात करके बताएंगे आपको, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत 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 शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जनाब फैज़ुल मतीन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी आवाज़ का जादू जगाएं यहाँ पे आके। बहुत शुक्रिया, आपकी भरपूर तालियां। छलकाए जा आइए आपकी आँखों के नाम होठों के नाम, छलकाए जा आइए आपकी आँखों के नाम होठों के नाम, आँखों के नाम होठों के नाम। सितारा अंजुम साहिबा से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आएं। जब तो नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में, जब तो नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में, जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना,
प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। से आंखें मिलती है ऐसे बेचैन होके तूफान जैसे, आंखों से आंखें मिलती है ऐसे बेचैन होके तूफान जैसे, मौज कोई साहिल से टकराए। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, ये सब नेटिव लैंड की ही बातें हो रही हैं। आप दिस मैं ठीक कह रहा हूँ? और आपने जो कहा अपने शुरू की तकरीर में कि लोग मरते नहीं हैं, राइटर्स जो हमेशा जिंदा रहते हैं, और जो लशारी साहब ने लंबी तकरीर की उसका एक लफ्ज़ में बुल्ले शाह ने कहा है, बुल्लिया असी मरना नहीं गौर पिया कोई होर, द राइटर्स ऑलवेज लिव, बुल्ले शाह इज नॉट डेड, ऑल हिज राइटिंग्स, हिज सूफी सेइंग्स, हिज सेंटली एक्शंस, हिज वर्सेस सब जिंदा हैं। इसी तरह जिसी तरह मौलाना रूमी की भी बात है, वो बांसुरी वाली सब जिंदा है। लेकिन लेट मी कम टू द साइकोलॉजी ऑफ एग्जाइल। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप अदीब हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपने सब देखा है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन एक बात नहीं है, हम लोग इस मुल्क में क्यों आए? Why are we, why did we come, why are we here? एक आदमी है जो डॉक्टर है, जो ब्रेडफोर्ड में रहता है, उसने किताब लिखी है द मिथ ऑफ रिटर्न, डॉक्टर मोहम्मद अनवर। उसमें ये व्हाई डोंट वी गो बैक, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कीप अस हियर एंड व्हाई आर वी हियर, व्हाट आर वी डूइंग हियर। ख्वातीन हजरात अस्सलाम वालेकुम, सर्टेनली गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर एट द लॉन्च ऑफ जिला वतन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट सोहेल अहमद लोन साहब फॉर सच अ वंडरफुल बुक दैट हैज बीन रिटन। और आज ये देखकर यहाँ पर महफल और यहाँ पर इतने शोरा हजरात, अदबी हजरात और सिंगर्स, माशाल्लाह हमारे काउंसलर कॉलीग वेरी गुड सिंगर, और दूसरा तो ना तो मैं शायर हूँ ना मुझे कुछ शायरी आती है, बट थोड़ा से अदब में मुझे भी थोड़े से वो जो मैं कहता हूँ अदब, जिन्ना अदब पाया उन्ना पाइया मरादा, बेअदबे इस दुनिया दे विच रहंदे बर्बाद। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट अदब के साथ प्यार करना चाहिए, और जैसे सोहेल अहमद लोन साहब ने ये बुक अभी जो लॉन्च हो रही है, इन्होंने जो ऐसे बन दिया ये कूजा बुक में जो इन्होंने लिखा, आई थिंक इट्स रियली रियली गुड। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसके फजल से मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ। इसके बाद मैं आप सब लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। जनाब सुहेल चुगताई साहब का बेहद ममनून हूँ जिन्होंने एपिक्स टीवी सेंटर पर ऐसी पुरवकार तकरीब मुनक़द करने में अपनी मुआवनत पेश की। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बुक के बारे में कुछ कहूँगा या अपनी शख्सियत के बारे में कहूँगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। किताब आपकी दस्तरस में है, आप यकीनन आप इस पर जो भी लिखना चाहें, जो कमेंट्स करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा तो मुझे लिखने की तहरीक पैदा हुई थी, आप लोग सब मुझसे काफ़ी सीनियर हैं। यहाँ पर मौजूद आप तमाम लोग अक्लो दानिश से मुझसे कहीं ज़्यादा अफजल हैं, मगर इस सारे अमल में जो कलम से कालम तक का अमल है, उसमें जो सबसे पहला मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को देना चाहता हूँ
कि ये सब उनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं इस काबिल हुआ कि मैं कुछ लिख पाऊँ। ये वो हाथ थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे कलम पकड़ना सिखाई। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिख कर आपकी खिदमत में इसलाह के लिए पेश करता रहूँगा। आज की ये पुरवकार तकरीब में आपकी आमद की वजह से ये बामे अरूज को पहुँची, इसके लिए मैं एक मरतब फिर आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। तन्हा खड़ा हूँ शहर में तन्हाइयों के बीच, तन्हा खड़ा हूँ शहर में तन्हाइयों के बीच, जैसे खिला हो फूल कोई खाइयों के बीच। तपते से दश्त दर्द में एक पेड़ की तरह, तपते से दर्द दश्त दर्द में एक पेड़ की तरह, तन्हा खड़ा हूँ आज भी तन्हाइयों के बीच। पिछला पहर है, पिछला पहर है रात का, तारे भी सो गए। पिछला पहर है रात का, तारे भी सो गए, मैं चल रहा हूँ आज भी परछाइयों के बीच। मुझको गुनाहों जुल्म की इस भीड़ से निकाल, मुझको गुनाहों जुल्म की इस भीड़ से निकाल, मैं फंस गया हूँ शहर के बलवाइयों के बीच। शुक्रिया। किस जुर्म की सज़ा में मुकद्दर ने ए खुदा, किस जुर्म की सज़ा में मुकद्दर ने ए खुदा, फिर ला खड़ा किया मुझे रसवाइयों के बीच। आखिरी शेर ना, ये आपकी नज़र। आप देखो सुहेल दर्द का सुकरात हो गया, देखो सुहेल दर्द का सुकरात हो गया, कुछ ऐसे गिर गया है वो शैदाइयों के बीच। बहुत शुक्रिया जी। ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात सुहेल साहब से, अपने वाले साहब की शायरी में से एक चीज़ उठा के। ये उनकी वो बुक है जो पब्लिश नहीं हो पाई बिकॉज ही डिडंट गेट टाइम टू लिव। ज़िंदगी का निसाब बाकी है, अभी तो सारी किताब बाकी है। ज़िंदगी का निसाब बाकी है, अभी तो सारी किताब बाकी है, उठ गए आ गई के सब पर्दे, उठ गए आ गई के सब पर्दे, बस आखिरी एक हिजाब बाकी है। उठ गए आ गई के सब पर्दे, बस आखिरी एक हिजाब बाकी है। और आखिरी शेर है उसका कि आपके लिए फिर एक दफ़ा, कि मेरे आसाब थक गए तो क्या, तुम्हें थकिएगा मत, मेरे आसाब थक गए तो क्या, मेरी आंखों में ताब बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। थैंक यू वेरी मच।